आज हम मेथी साग से बनाएंगे दो मज़ेदार रेसिपी। एक है मेथी पूरी और दूसरा है मेथी आलू की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे मगर खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। चाहे आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या नाश्ते में खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो नमस्ते, मैं हूँ नंदना और आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले बनाएंगे मेथी पूरी। इसके लिए चाहिए मेथी साग। तो मेथी साग मैंने यहाँ अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया। इसका जो मोटा डंडा है उसको हटा देंगे। तो देखिए इसी तरीके से मोटा डंडा हटा के मेथी साग को तैयार कर लिया। अब पैन में डले 2 टीस्पून ऑयल, उसमें 1/4 टीस्पून डले कलंजी और एक हरी मिर्ची। तो जैसे ही कलंजी से थोड़ा सा खुशबू निकल आए, गैस का आँच इस टाइम एकदम मीडियम में है, तो मीडियम आँच में ही मेथी साग को डालेंगे। डाले स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चीनी, कुछ देर चलाएँ। अब गैस का आँच एकदम धीमा करके ढक्कन ला के जब तक साग पक ना जाए तब तक रखेंगे। तो साग अच्छे से पक गया, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा है। अब आटा को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया 2 कप गेहूँ के आटा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा ऑयल डाल के और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के जो मेथी साग तैयार करके रखे थे उसको डाले आटे के ऊपर। अच्छे से सारी चीज़ मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। तो मेथी पूरी के लिए आटा तैयार हो गया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ते। तब तक आलू का सब्जी बनाएंगे। तो आलू ले लिया मैंने यहाँ, उसका जो अच्छे से धो के रखे और उसका जो छिलका है वो निकल देंगे। निकलने के बाद आलू को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। तो आलू कटना तो हो गया है, अब उसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पैन में डले सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल में आलू को फ्राई करेंगे। आलू को पहले से ही नमक और हल्दी लगा के रखे थे, अब उसको कुछ देर चलाए। अब गैस का आँच एकदम धीमा करके ऊपर से और 1 टीस्पून ऑयल डाल के कुछ देर चलाएंगे जब तक आलू पक ना जाए। तो आलू जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में चाहिए 2 प्याज, 1 टीस्पून किशमिश, 1 टीस्पून मूँगफली, 3 हरी मिर्ची, 5-6 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा मेथी साग और 2 टेबल स्पून दही। अब इन सबको एक साथ पीसेंगे मिक्सर जार में। एक एक करके मसाला को डालेंगे। लास्ट में दही डालकर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इधर आलू भी अच्छे से पक गया है। अब ऊपर से मसाला को डालें। तो मसाला डालने के बाद जब तक मसाला अच्छे से पक ना जाए तब तक चलाते जाएंगे। थोड़ा सा नमक डालें स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चीनी और 2 टीस्पून ऑयल डाल के कुछ देर चलाए। अब लास्ट में डालें 1/2 कप पानी। मसाले का जो पानी है वो डालें, कुछ देर चलाएं। आलू का सब्ज़ी एकदम सूखा बनेंगे। तो जब तक पानी ना सूखे तब तक चलाते जाएंगे। ऊपर से सरसों का ऑयल और 2 हरी मिर्ची डाल के आलू का सब्ज़ी तैयार हो गया है। ये मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप मेथी पूरी बनाएंगे। तो इधर आटा भी सेट हो गया है, आप छोटा छोटा करके इसे लोइया काट लेंगे। आप एक एक करके पूरी को बेलेंगे। इधर गैस पे ऑयल बिठा दिया, गैस का आँच एकदम धीमा करके पूरी को सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इस टाइम। तो मेथी पूरी और मेथी आलू सब्जी दोनों ही बन के तैयार हो गया है। आप इसको सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।